हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो हैं कि एक बार पुनः सीखो दिमाग से चैनल पे जो है कि उपस्थित हुए हैं, और हम लोग जो हैं कि कल वर्क पावर एनर्जी का दूसरा क्लास देखे थे, और आज जो है कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी का तीसरा क्लास देखेंगे कि इसमें जो है कि क्या होता है। या तो वर्क पावर एनर्जी में जो है कि कल हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसके बारे में देखे थे। और आज जो है उसे आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है कि कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था, कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं कि सर जो है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या था पहले उनका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। उनका क्वेश्चन था कि गति के किस नियम से, गति बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होता है। तो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, परिभाषा गति के किस नियम से, किस नियम से, किस नियम से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछे हैं कि गति बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गति का तीन नियम होता है, गति का तीन नियम होता है, गति का तीन नियम होता है। तो प्रथम नियम, पहला प्रथम नियम, प्रथम नियम, तो प्रथम नियम से जो है कि बल की परिभाषा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा, प्रथम नियम से क्या होता है तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। दूसरे नियम से, दूसरे नियम से बल का व्यंजक, बल का व्यंजक, दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है बल का व्यंजक। और तीसरे नियम से जो है, तीसरे नियम से जो है कि बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, प्रकृति, तो बल की प्रकृति प्राप्त होता है। तो प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है बल की परिभाषा, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और प्रथम नियम क्या कहता है कि स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है और गतिशील वस्तु हमेशा गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। तो इसे जो है कि गति का प्रथम नियम कहते हैं। और वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के बारे में गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बतलाए थे, इसलिए इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और गैलीलियो ने जो है कि जड़त्व के बारे में बतलाए थे। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या होता है तो एफ बराबर एम गुने ए, बल का व्यंजक एफ बराबर एम इंटू ए। और तीसरे नियम से बल की प्रकृति, तो बल की प्रकृति यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो जिनका ये क्वेश्चन था उनको ये आंसर मिल गया होगा कि बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होता है। तो बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से जो है कि प्राप्त होता है। इसके बाद जो है कि उनका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन था कि जो दाब होता है, गैस का जो दाब होता है, तो गैस का दाब और उसका द्रव्यमान आपस में समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन उनका क्या था। तो क्वेश्चन उनका था कि किस नियम के अनुसार गैस के दबाव और गैस की मात्रा समानुपाती होता है, किस नियम के अनुसार। क्वेश्चन क्या था तो किस नियम, किस नियम के अनुसार, नियम के, किस नियम के
अनुसार, किस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार गैस के दबाव और गैस की मात्रा, गैस गैस की दबाव और गैस की मात्रा और गैस की मात्रा, गैस की मात्रा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो उनका क्वेश्चन था कि किस नियम के अनुसार गैस की दबाव और गैस की मात्रा समानुपाती होता है। तो दबाव जो होता है, दबाव जिसको जो है कि हम लोग प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं, और ये पी हो गया, और ये मात्रा जो होता है, मात्रा जिसे जो है कि मास, और ये एम हो गया। तो ये समानुपाती, गैस की जो दबाव होता है वह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गैस का जो नियम होता है, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है। तो पहला ये जो है कि बॉयल्स लॉ, बॉयल्स बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं कि नियत ताप पर, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी भी गैस का आयतन उस गैस के दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी गैस का आयतन उस गैस के दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी भी व्युत्क्रमानुपाती 1/P, भी व्युत्क्रमानुपाती 1/P। और ये ताप जो होता है टी कांस्टेंट होता है, टी कांस्टेंट होता है। ये अब यहाँ जो है कि भी, तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर जो होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ जो है कि वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एम बाय, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा तो एम बाय डी हो गया। अब यहाँ वॉल्यूम के जगह पे जो है कि एम बाय डी हम लोग लिख सकते हैं, एम बाय डी और समानुपाती 1/P, समानुपाती क्या हो गया 1/P। वॉल्यूम के जगह पे जो है, वॉल्यूम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया कि एम बाय डी, तो यहाँ एम बाय डी, एम बाय डी, और ये हो गया समानुपाती 1/P हो गया ये। तो यहाँ एम और पी में जो है, एम और पी में जो है ये रिलेशन जो है कि हम लोग को मिल जाता है बॉयल्स लॉ में। और यदि चार्ल्स लॉ हम लोग देखते हैं, चार्ल्स लॉ देखेंगे तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि नियत दाब पर, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि नियत दाब पर, नियत दाब पर, चार्ल्स लॉ क्या कहता है तो नियत दाब पर, नियत नियत दाब पर, नियत दाब पर गैस का आयतन, गैस का आयतन, नियत दाब पर गैस का आयतन उस गैस के परम ताप का समानुपाती होता, यानी भी समानुपाती टी। तो इसमें जो है कि पी नहीं आ रहा है, पी क्या है, पी कांस्टेंट हो गया, पी कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि पी और एम के बीच जो है कि रिलेशन, पी और एम के बीच रिलेशन, तो इसमें जो है कि पी नहीं आ रहा है, इसलिए जो है कि ये चार्ल्स लॉ जो होगा नहीं होगा, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये तीसरा जो होता है एवोगाड्रो का नियम, तो एवोगाड्रो का नियम, तीसरा नियम क्या है तो एवोगाड्रो का नियम। और एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है कि नियत ताप तथा दाब पर, नियत ताप, तो पी क्या होगा, पी और
टी जो आता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, पी और टी कांस्टेंट होता है। और किसी भी गैस का जो आयतन होता है ये जो है कि गैस में वर्तमान मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसमें भी जो है कि पी नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन कहता है कि किस नियम के अनुसार गैस के दबाव और गैस की मात्रा समानुपाती होता है। तो यहाँ जो एक ही नियम है जिसमें जो है कि पी और ये जो है कि एम आ रहा है, इसलिए बॉयल्स का नियम। तो जिनका ये क्वेश्चन था उनको ये पता चल गया होगा कि मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन था, बल की परिभाषा गति के किस नियम से प्राप्त होता है, तो बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार गैस के दबाव और गैस की मात्रा समानुपाती होता है, तो यहाँ जो हुआ कि ये पी और ये एम बॉयल्स के नियम के अनुसार होगा। तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो यदि क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, अब जो है कि हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आएंगे। वर्क पावर एनर्जी का तीसरा क्लास, वर्क पावर एनर्जी का तीसरा क्लास। तो हम लोग जो है कि कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, अब उसी क्वेश्चन को जो है कि हम लोग और आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन जो है वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी है, तो 10 केजी द्रव्यमान का वस्तु जो है कि 0.2 घर्षण गुणांक वाले सतह पर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण क्षैतिज दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ये क्षैतिज सतह है, ये क्या है, क्षैतिज सतह ये है, और इसका घर्षण गुणांक म्यू जो है कि 0.2 है। और ये हम लोग जानते हैं, कल चर्चा भी किए थे कि घर्षण गुणांक का मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। और ये वस्तु जो है कि यहाँ रखा गया, वस्तु रखा गया है और इस पे जो है कि 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, और इसका द्रव्यमान जो हो गया एम जो हो गया 10 केजी। वस्तु का द्रव्यमान भी कितना कहता है, वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी कहता है। और इस पर जो है कि इस पे जो है कि 10 केजी का द्रव्यमान और 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, लेकिन ये जो है कि बल क्षैतिज के साथ 60 डिग्री, बल जो लगाया जाता है वह क्षैतिज के साथ जो है कि 60 डिग्री पर, ये जो है कि 60 डिग्री पे जो है कि ये बल लगाया जाता है, बल 60 डिग्री पर लगाया जाता है। तो बल के द्वारा जो वस्तु में विस्थापन होता है, वस्तु में विस्थापन कितना होता है, तो 5 मीटर विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर विस्थापन होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए नंबर कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, पहला हो गया कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो क्वेश्चन क्या है कि 0.2 घर्षण गुणांक वाले सतह पर 10 केजी का वस्तु रखा गया है, जिस पर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया जाता है। बल का मान कितना है, तो ये 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण क्षैतिज दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, 5 मीटर का विस्थापन होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, बी जो है, बी कहता है बल के द्वारा, बल के द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। और तीन नंबर, सी नंबर जो है कि भार के कारण किया गया कार्य, भार के कारण, भार के कारण या भार के द्वारा, भार के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो यहाँ तीन क्वेश्चन, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे कि 0.2
घर्षण गुणांक वाले सतह पर 10 केजी का वस्तु रखा गया है, जिसमें जो है कि 36 के साथ 60 डिग्री के कोण पर जो है कि वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण जो है कि 36 दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है। तो इसके द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य, भार के द्वारा किया गया कार्य। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य अगर ए नंबर हम लोग देखेंगे तो W बराबर म्यू एम जी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला हम लोग कल देखे थे। तो यहाँ जो है कि म्यू कितना हो गया 0.2 आ गया, एम कितना हो गया तो 10 हो गया, जी का मान कितना हो गया 10 हो गया, और ये कॉस थीटा म्यू हो गया 0.02, एम हो गया 10, जी हो गया 10, और एस कितना है तो 5 आ गया, और गुने कॉस 180 डिग्री, कॉस कितना 180 डिग्री हो गया। इसको यदि फ्रेश करके लिखते हैं तो 0.2 गुने 10 गुने 10 गुने 5 और गुने कॉस 180 डिग्री आता है ये। अब जो है कि हम लोग जो है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 10 खत्म हो गया तो 2 हो गया, और 10 दूनी 20 2500 कॉस 180 डिग्री का मान जो है कि बताए थे कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 आ गया और ये गुने 10 हो गया और गुने जो है कि 5 आ गया और गुने -1, तो 10 दूनी 20 2500 -100 जूल। तो पहला का आंसर क्या आ गया, पहला का एक आंसर हमें मिल गया -100 जूल, माइनस में आ गया, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि घर्षण के विरुद्ध जो है कि कार्य किया गया। तो हमेशा जो है कि यहाँ थीटा का वैल्यू जो है कि हम लोग 180 डिग्री लेंगे और कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है -1 होता है। तो इस तरह से हमें पहला का आंसर मिल गया। अब जो है कि दूसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर क्या कहता है कि बल के द्वारा किया गया कार्य, दूसरा नंबर के क्या कहता है कि बल के द्वारा किया गया कार्य। तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया, तो W बराबर F इंटू एस, अब बी नंबर, तो बी नंबर में W बराबर F इन डॉट एस कॉस थीटा, तो F कितना बता रहा है 10 न्यूटन बता रहा है, और गुने S हो गया 5 और गुने कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। अब ये जो है कि 10 पचे 50 और गुने कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान हो गया 1/2 आ गया। अब इसको काट देंगे तो काटेंगे तो कितना होगा, यानी 25 जूल हो गया। तो बी का आंसर हो गया 25 जूल आ गया। भार के द्वारा किया गया कार्य, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य निकल गया, बल द्वारा किया गया कार्य और भार के द्वारा किया गया कार्य। तो भार के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्योंकि ये वस्तु पे भार जो है कि नीचे की ओर लगता है, तो नीचे की ओर लगता है तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, या जो है कि वस्तु में ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई नहीं है, विस्थापन शून्य है, इसलिए भार के कारण जो किया गया कार्य होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, तो भार के कारण किया गया कार्य शून्य होगा, भार के कारण सी बराबर में क्या हो गया आंसर, ये शून्य हो जाएगा, 0 जूल होगा। तो इस तरह से इसमें तीन, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से मांग रहा है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य मांग रहा है, या बल के द्वारा किया गया कार्य मांग रहा है, या जो है कि भार के द्वारा किया गया कार्य मांग रहा है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो है कि सही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। अब इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है कि नत समतल, जिसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है कि ये इंक्लाइंड प्लेन ये है और यहाँ जो है कि एक वस्तु रखा गया है,
ये वस्तु रखा गया है और ये एंगल जो है ये एंगल थीटा बना रहा है। वस्तु का मास कुछ भी है, मास मान लेते हैं कि ये एम है, तो यहाँ जो है कि ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, ग्रुत के कारण जो इसका भार हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम जी आ जाएगा ये। और जो है कि ये इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए बी सी, तो ए सी जो होगा इसका विस्थापन होगा, ए सी क्या होगा, विस्थापन होगा। और यहाँ जो होगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एम जी हो गया, बराबर क्या हो गया एम जी, तो डब्लू बराबर इसमें निकालेंगे तो एम जी और ये गुने ए सी, ए सी और ये कॉस थीटा लगा देंगे ये, तब जो है कि हम लोग नत समतल इंक्लाइंड प्लेन पे जो है कि ये हमारा किया गया कार्य निकल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m बराबर, तो m बराबर हो गया 10 केजी, वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 केजी ले लेते हैं, और ये थीटा का वैल्यू, थीटा बराबर जो है कि 60 डिग्री लेते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं, और ये जो है कि मान लेते हैं कि एसी जो बता रहा है ये 5 मीटर, एसी 5 मीटर हो गया, तब जो है कि हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे, तो एम कितना हो गया 10 केजी हो गया, जी का मान 10 हो गया, और एसी क्या हो गया 5 हो गया, और कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 दहाई 100 पचे 500 और 60 का मान 1/2 बराबर 250 जूल। तो इस तरह से जो है कि हम लोग वर्क डन को निकाल सकते हैं यदि नत तल इंक्लाइंड प्लेन पे जो है कि हमें वर्क डन निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला का जो है कि हम लोग उपयोग करेंगे नत समतल पर वर्क डन निकालने के लिए, इस फॉर्मूला का जो है कि प्रयोग करेंगे। यदि जो है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो है कि समझ में आता होगा, और तुरंत जो है कि लाइव भी जो है कि स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द जो है कि लाइव भी स्टार्ट करेंगे, और लाइव जो है कि आप जुड़ करके उसी समय जो है कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और जो है कि बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जो है कि हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कि हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कुछ है और वह जो है कि कुछ वेलोसिटी से जो है कि चल रहा है। क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान का वस्तु 36 किलोमीटर पर आवर के एक समान चाल से चल रहा है। वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु 2 सेकेंड के बाद 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिशील हो जाता है। तो किया बल के द्वारा किया गया कार्य
होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 केजी है और यह 36 किलोमीटर पर आवर के एक समान चाल से चल रहा है। वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु पर बल यानी किसी भी तरह का कितना भी न्यूटन बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु 2 सेकंड के बाद 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिशील हो जाता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल के द्वारा किया गया कार्य। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं, तो m बराबर कितना दिया गया है, 10 केजी दिया गया है। इसके बाद जो है कि u कितना है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एसआई सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 36 और गुने 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में जो है कि हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो 18 × 36 और 5 × 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से जो है कि हमें m निकाल लिए, m 10 केजी हो गया, u हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और v जो कहता है ये 72 किलोमीटर है, तो इसको भी जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि एसआई में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये 72 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, तो ये 72 × 5/18 बराबर 72 × 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हमें u का मान पता चल गया, v का मान पता चल गया और m का मान पता चल गया, और समय कितना बता रहा है, 2 सेकंड। समय कितना है, तो ये 2 सेकंड, t जो हो गया, t बराबर हो गया 2 सेकंड। तो सारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, हमें m आ गया, m जो हो गया ये 10 केजी बता रहा है, और u जो है कितना बता रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड। ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग के पास आ गया है। अब जो है कि हमें क्या निकालना है, तो किया गया कार्य बल के द्वारा जो है कि किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि w बराबर fs cos थीटा होता है, w बराबर f.s cos थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू जो है कि यहाँ WFS cos थीटा है, तो यहाँ जो है कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बल की दिशा में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब बल के दिशा में विस्थापन होता है तो थीटा का मान होता है 0 डिग्री। तो हमें ना F पता है ना S पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो A बराबर v − u/t, तो v कितना हो गया, 20 हो गया, u कितना है, 10 है, और t कितना दिया गया है, 2, तो बराबर कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और ये f बराबर m × a होता है, तो m कितना है, 10, और a कितना हो गया, 5, तो बराबर 50 न्यूटन आ गया, बल आ गया। अब जो है कि हमें क्या निकालना है, तो हमें s निकालना है, विस्थापन। तो इसके लिए जो है कि हम लोग s बराबर या v² फॉर्मूला जो आता है कि v² बराबर u² + 2as होता है। तो v कितना दिया गया है, 20, तो 20 × 400 हो गया, 20 का स्क्वायर, और बराबर 10 का स्क्वायर 100, और +2 × a का वैल्यू कितना निकल गया है, तो a का वैल्यू 5 निकल गया है, और × s हो गया। तो ये 400 − 100 यानी 300 × 10 बराबर s हो गया, यानी s बराबर कितना हो गया, तो s बराबर हो गया 30 मीटर, s बराबर 30 मीटर हो गया। अब जो है कि हम लोग क्या निकालेंगे, तो w बराबर f निकल गया, 50 न्यूटन निकल गया, और s कितना निकल गया, 30 निकल गया, और cos 0, तो cos 0 का कितना मान होता है, 1 होता है, गुने cos
कॉस 0 डिग्री। तो कॉस यानी 50 × 30 और गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1500 जूल हो गया, 1500 जूल हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाए तो फार्मूला का उपयोग करते हुए जो है कि हम लोग आसानी से जो है सरलता पूर्वक जो है कि क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। तो वर्क के द्वारा कितना तरह से हम लोगों को क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो सारे फार्मूला का जो है कि हम लोग उपयोग कर चुके हैं और इतना फार्मूला जो है कि हम लोगों के लिए काफ़ी है। फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब यदि जो है कि क्वेश्चन कि किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के द्वारा अधिकतम कार्य होगा, बल के द्वारा अधिकतम कार्य होगा। तो जब विस्थापन बल की दिशा में, पहले भी बताए थे कि विस्थापन, नोटेबल पॉइंट, विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होगा। विस्थापन, विस्थापन बल की दिशा में, बल की दिशा में, दिशा में होता है, होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तो ये कार्य जो होगा, कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम मैक्सिमम कार्य होगा। तो बल की दिशा में होता है तो कार्य अधिकतम होगा, कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। यदि इस स्थिति में जो है कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा और विस्थापन जो होगा बल की दिशा में। दूसरा जो है कि जब विस्थापन बल के लंबवत होता है, विस्थापन, विस्थापन बल के, बल के लंबवत, लंबवत होता है, लंबवत होता है तो कार्य, कार्य शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, कार्य शून्य होगा। यानी जो थीटा बराबर होगा वह 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य जो होगा शून्य होगा। और यदि जो है कि घर्षण के विरुद्ध तो ऋणात्मक कार्य होगा। तो इतने पॉइंट को जो है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे और कल जो है कि हम लोग ऊर्जा, कल का क्लास क्या होगा, तो ऊर्जा एनर्जी, कल जो है कि हम लोग एनर्जी के बारे में देखेंगे कि एनर्जी क्या होता है। कल जो है कि एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। यदि कल पुनः और लाइव जो है कि बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव, तो लाइव में जो है यही शाम का टाइम बताएंगे, टाइम कि टाइम कब होगा और उस समय जो है कि अधिक से अधिक जुड़ करके जो है कि ये लाभ उठाएंगे। तब तक जो है कि हम लोग कल मिलते हैं। ओके, बाय।